पैगाम गदीर आय करीमा जो कुरान मजीद में नाजिल हुई है, इसके ज़रिए से हम पैगाम गदीर को एहसास कर सकते हैं। कुरान मजीद में इतनी मिसाल के तौर के ऊपर मुहिम आय करीमा बहुत कम देखने को मिलती है कि जिसके अंदर में तमाम कुरान मजीद की आय करीमा सब के सब मुहिम है, मगर एक जगह के ऊपर जहाँ पर इरशाद होता है पैगंबर अकरम के लिए कि या यो रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़ल फमा बल्लगत रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए नबी आप पहुँचा दीजिए उस काम को, बता दीजिए उस चीज़ को जो आपको दिया जा चुका है, अगर आपने ये नहीं पहुँचाया तो कुछ नहीं पहुँचाया, फमा बल्लगत रिसालता आपने रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। तो ये कौन सा ऐसा अहम तरीन काम हुआ है गदीर में कि जो परवरदिगार आलम कह रहा है कि अगर आपने ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। तो उसमें गदीर में जो हमें सबसे अहम तरीन जो चीज़ नज़र आती है कि पैगंबर अकरम का वो इरशाद मन कुंतु मौला फहाज़ा अली उन मौला, पैगंबर अकरम की वो सफ़र आखिरी हज का सफ़र था और पैगंबर अकरम ने इस उम्मत को इसी अंदाज से छोड़ नहीं दिया कि आप जिधर चले जाओ, नहीं, पैगाम गदीर ये है कि पैगंबर अकरम ने कुरान मजीद के रूह से ये पैगाम दिया कि आपको ऐसे चलना है और इत्तेहाद के साथ चलना है, तमाम कायनात में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये रास्ता है, हम इस कायनात से जा रहे हैं और हम तुम्हें इस अंदाज से छोड़ कर नहीं जा रहे हैं मुसलमानों, तुम्हारे लिए एक अजीम तरीन तोहफ़ा अली की शक्ल में देकर जा रहे हैं अलैहिस्सलाम। इसके बाद फिर ये इरशाद हुआ अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरज़ितु लकुमुल इस्लाम मदीना। इससे और अहमियत गदीर पैगाम गदीर का इफ़ादा हो सकता है, इस्तेफ़ादा हम कर सकते हैं कि जिसके ऐलान के बाद परवरदिगार आलम कर मैं आज राज़ी हो गया, दीन को कामिल कर दिया, अपनी नेमत को तमाम कर दिया मैंने, ये है पैगाम गदीर। और इत्तेहाद के साए में तमाम मुसलमानों को, हम सबों को ये चाहिए कि पैगाम गदीर को, खुतबे पैगंबर को बहुत अच्छी तरीके से समझें, मुताला करें और इत्तेहाद के दामन से होते हुए अपने मंजिल मकसूद को जनावाला हम पालें।